How to use OpenCV to remove noises from images. पहले हमने देखा कि किस तरह से images को हम blur करते हैं, किस तरह से blurring helpful हो सकती है in order to remove noise. We will see in this tutorial. We have a few images in our directory. जिनमें कुछ नॉइज है, जैसे कि एक बटरफ्लाई का इमेज है, इसे कैप्चर करते हुए कुछ इसमें नॉइज ऐड हो गया. इसी तरह ये एक काफी मशहूर इमेज है, इस इमेज में भी हमारे पास कुछ नॉइज है. In order to remove noise from these images, we will have to first read that images. I am read. Firstly, I will read the image which has the Gaussian noise. इसे मैं रीड करूंगी ग्रे स्केल में. हाउ डू आई नो कि ये नॉइज जो है वो गॉसियन नॉइज है. इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन आपको नजर आ रही होगी. इसके अलावा किस तरह से पता चल सकता है कि गॉसियन नॉइज है, ये गॉसियन ब्लर से ही रिमूव होगा. दिस इज द हिट एंड ट्रायल मेथड. लेकिन साल्ट एंड पेपर नॉइज जो है, इट इज सो विजिबल, जो कि हम आप देख के भी फैसला कर सकते हैं कि इसे किस किस्म के फिल्टर से हम रिमूव कर सकते हैं, जो कि हमारे पास इस बटरफ्लाई के इमेज पे है. साल्ट एंड पेपर नॉइज इज बेसिकली द वाइट एंड ब्लैक डॉट्स, ये वाइट एंड ब्लैक पिक्सल्स ऑल ओवर द इमेजेस, जो कि हमें नजर भी आ रहे हैं. In order to remove Gaussian noise, we will apply Gaussian blur, जैसा कि हमने पहले भी अपने ट्यूटोरियल में देखा था. Denoise image we will have CV dot Gaussian blur. Size we will set at 5 and sigma x is equal to 0. And we will show this image. Original image को भी हम देखते हैं और denoise image को भी. We will add delay. This is our original image, and this is our denoised image. As you can देख सकते हैं, we have a significant difference in these images. Although वो image बहुत clear नहीं है, लेकिन still हम इसमें एक चेंज देख सकते हैं. द डीनॉइज्ड इमेजेस बेटर देन द ओरिजिनल इमेज.
अब ये बिल्कुल बेहतर क्यों नहीं है? दिस कैन बी ड्यू टू द वैल्यूज ऑफ सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई एंड द अदर पैरामीटर्स ऑफ द गॉसियन फंक्शन. अब हमें इसके जो प्रॉपर या एक्यूरेट पैरामीटर्स कैसे पता चलेंगे, सूटेबल पैरामीटर्स कैसे पता चलेंगे? दिस कैन बी टू हिट एंड ट्रायल, क्योंकि हमारे पास एक डी नॉइज इमेज आ चुका है, एक नॉइज इमेज आ चुका है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता कि उसके जिस फंक्शन ने उसे नॉइज क्रिएट किया है उसके अंदर, या नॉइज ऐड किया है जिस फंक्शन ने, उस फंक्शन के पैरामीटर्स क्या थे. तो वी विल ऑलवेज हैव टू डू दैट थ्रू हिट एंड ट्रायल. OpenCV has another function which is fuzz, NI means denoising. हम उसे यूज करते हुए भी अपने इस इमेज से नॉइज रिमूव करेंगे. डिनॉइज इमेज आई विल कॉल इट टू. This is our source image. Destination image is none. H हमारे पास जो है, this is basically filter strength को decide करते हैं. Higher the value of H, रिमूव्स नॉइज बेटर. लेकिन ज़्यादा बड़ी वैल्यू करते जाएंगे तो ये उसमें से डिटेल्स भी इमेजेस की ख़त्म करता जाएगा. सो वी विल टेक एन एवरेज वैल्यू जो कि 10 है. विंडो साइज हमने इसमें सेट करना चाहते हैं, तो विंडो साइज जो है वो हम हमेशा ऑड लेते हैं. रिकमेंडेड है कि ऑड लें, हम इवन भी ले सकते हैं. तो जैसे कि हमने पहले 5 सेट किया था, इधर भी हम 5 सेट कर देते हैं. और सर्च विंडो साइज जो है इसको हम एज अ रिकमेंडेड वैल्यू 21 लेते हैं. अब हम देखेंगे व्हाट डिफरेंस डज इट मेक. दिस इज आवर रीजनल इमेज. ये हमारा जो हमने खुद एक गॉसियन ब्लर अप्लाई करने के बाद क्रिएट किया, एंड दिस इज द इमेज यूजिंग फास्ट एन आई मीन्स डिनॉइजिंग फंक्शन. एज वी कैन सी दैट कि इसमें हमारे पास मजीद फाइन, मजीद स्मूदर इमेज आ गया. इसी तरह इन फंक्शंस को हम कलर्ड इमेजेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और वीडियोस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं.